हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन झाज ब्लॉग्स एंड किचन। फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चावल की खीर, वो भी कैरमल वाली। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए 1/4 कप चावल लिया है, ये बासमती राइस है, जो खीर वाली आती है खुशबू वाली, वो चावल लिया है 1/4 कप, यानी 5 बड़े चम्मच। और उसके बाद इसको धोकर छोड़ देते हैं 10-15 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी डालकर छोड़ दी हूँ। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हूँ, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से काजू, थोड़ी सा पिस्ता और 3-4 हरी इलायची है, इसको मैं कूट कर डालूँगी इसमें। तो और इसमें 1/2 कप चीनी ली हूँ। चीनी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इधर मैं दूध को बॉईल कर ली थी, ये फुल फैट क्रीम मिल्क है, तो इसको मैं गरम कर ली थी, बॉईल कर ली थी, तो बाद में ऑफ कर दी थी इसको, बाकी की तैयारी कर रही थी मैं। तो बस अब गैस को ऑन कर दिया, चावल को डाल देते हैं इसमें। चावल को धोकर मैं छोड़ दी थी, बस ज़्यादा देर नहीं छोड़ी थी, धोकर जब तक ये मैं फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स काट रही थी तब तक छोड़ी थी, यानी 5-10 मिनट रहा होगा बस। पानी भी नहीं डाला था, जो धोकर थोड़ा सा पानी था वही था, उसको डाल दिया इसमें। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहेंगे, क्योंकि ये चिपकना नहीं चाहिए, चिपकने से ये फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में, तो जब तक हमारा वो बॉयल हो रहा है खीर, तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। ये खीर बहुत ही अच्छी लगती है, और दूसरी खीर से ये ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो इसको मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, बीच बीच में मैं इसको दिखा रही हूँ। तो इसका जो किनारे किनारे इसकी मलाई जमती है ना, उसको स्क्रैच कर कर के इसके अंदर ही डालते जाइएगा, तो ये एकदम रबड़ीदार खीर बनकर रेडी होगी। तो मैं आप सबको बीच बीच में दिखा रही हूँ इसको, क्योंकि इसको एकदम अच्छे से घुलने तक, दूध में अच्छे से घुल जाएगा, मतलब ये नहीं कि चावल चावल अलग रहे और दूध दूध अलग रहे, ऐसा नहीं, एकदम मिला हुआ होना चाहिए। खीर का मतलब वही है कि अच्छे से पकाओ थोड़ा टाइम लेकर, तो लो टू मीडियम फ्लेम पर, ज़रूरत हो तो एकदम लो कर दें फ्लेम को, तो खीर बहुत अच्छी बनेगी। और कोशिश कीजिएगा मोटे तले की बर्तन लेने की। तो देखिए खीर हमारा थोड़ा पक गया है, तो मैं इसमें इलायची डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो इसकी जगह केसर भी डाल सकते हैं, पर केसर से ज़्यादा अच्छा ये इस खीर में इलायची का टेस्ट आता है। तो इसको डाल दिए, इसको कंटिन्यू चला रही हूँ। देखिए जैसे जैसे खीर पकता जा रहा है, तो इसमें जो बबल आने लगते हैं ऊपर झाग सा, वो आने लगता है। तो देखिए खीर हमारा पकना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको रुक रुक कर दिखा रही हूँ, वीडियो को स्किप कर कर के, वरना खीर को अगर गलाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और लंबी हो जाएगी वीडियो। तो दिखा रही हूँ कितनी अच्छी, एकदम देखिए इसका टेक्सचर खीर का कितना अच्छा है। खीर हमारी एकदम मिलने लगी दूध के साथ, एकदम अच्छे से घुल गई है। ये देखिए इसकी पहचान, आप कलछी के पीछे देखेंगे ना तो एक क्लियर सा जम जाएगा, यानी खीर हमारी एकदम सही जा रही है, अच्छे से पक गई है। तो इस टाइम को आप गैस को बंद कर दिया और खीर को नीचे उतार देते हैं, फिर इसका कैरमल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर ली हूँ, तो इसमें 1 छोटे चम्मच घी डाल दी हूँ। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा सेक लूँगी। इसी में मैं उसको चीनी को कैरमलाइज्ड करूँगी। तो जो काजू है उसको, ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं सबको मैं हल्का सा इसमें फ्राई कर लेती हूँ, सेलो फ्राई, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सुनहरा होने तक। कर लेते हैं, थोड़ा सा ये कलर चेंज हो गया काजू का, तो किशमिश डाल दिए हैं। किशमिश जैसे ही थोड़ी सी फूलने लगेगी, किशमिश को ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत से फूलने लग जाता है। तो ये देखिए अभी दोनों का कलर चेंज हो गया है। तो इसी टाइम पे फिर वो जो पिस्ता है हमारा, तो उसको भी डाल देते हैं। सबको मैं काट ली थी,
पिस्ता को भी काट लेती, किशमिश को नहीं काटा था। थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रख दी हूँ पिस्ता को। तो ये हमारा भुन गया, इसको निकाल देते हैं। और इसी बर्तन में मैं चीनी को कैरमलाइज्ड करूँगी। तो ये देखिए आधा कप चीनी है, इसकी क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने पहले से खीर में चीनी नहीं डाला है, तो इसको अब कंटिन्यू चलाना है एकदम लो फ्लेम पर। इसका जो चीनी का प्रोसेस जो होगा कैरमलाइज करने का, वो लो फ्लेम पर ही होगा, हाई नहीं करना, वरना ये चीनी जो है कड़वी हो जाएगी, जल जाएगी। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको भी दिखा रही हूँ स्किप कर करके। तो ये देखिए पहले दानेदार हो जाता है, उसके बाद ये इकट्ठा होने लगेगा, उसके बाद मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो ये देखिए मैं थोड़ी थोड़ी देर में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन फ्लेम एकदम लो है हमारा, फ्लेम को हाई मीडियम बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए ये पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसका थोड़ा सा और कलर चेंज करना है। देखिए कलर इसका चेंज हो गया, ये हल्का डार्क हो गया। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 4 बड़े चम्मच पानी लगभग डाल रही हूँ, और जब ये पानी डालें तो पीछे हट जाए थोड़ा, क्योंकि ये बहुत ज़ोर से छिटकेगी, क्योंकि हमारा जो चीनी है वो एकदम गर्म है और बर्तन भी बहुत गर्म है। तो जैसे ही पानी डालेंगे तो ये बबल उठेगा, तो छिटकने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप पीछे हट जाएँ संभल कर। उसके बाद ये कंटिन्यू चलाएंगे, तो ये जो आपको दिख रहा होगा कि ये जम गया, तो ये थोड़ी देर के लिए बस ये मेल्ट हो जाएगा अभी तुरंत। तो उससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारा मेल्ट हो गया चलाते चलाते ही, तुरंत 1 मिनट के अंदर ही मेल्ट हो जाता है। तो ये हमारा परफेक्ट कलर आ गया। अब इससे ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, अब डाल देते हैं खीर में इसको। ये देखिए मैं खीर में डाल दी हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और खीर का कलर एकदम चेंज हो गया। ये देखिए कितना सुंदर सा कलर हो गया। जो मीठा दही खाते हैं ना आप लोग, मिष्टी दही बंगाली वाले, बंगाली लोग बनाते हैं, एकदम कलर वैसा ही हो गया, और एकदम क्रीमी टेक्सचर है हमारा खीर का। और ये ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा बचा कर, और इसको गैस पे चढ़ा दिए हैं। फिर से इसको 2 मिनट के लिए पका देंगे, ताकि जो चीनी है हमारा कैरमलाइज शुगर वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। बस इसलिए 2 मिनट तक फिर इसको बॉईल करना है, खीर को 2 मिनट पकाना है। तो देखिए इसमें उबाल आ गया, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए एकदम रबड़ीदार खीर बनकर रेडी हुई हमारी। तो इसको 2 मिनट पकाने के बाद इसको फिर से गैस को बंद कर देंगे। दी थी गैस से, उसके बाद ये थोड़ी ठंडी हो गई, तब मैं इसको किसी बर्तन में सर्व कर देती हूँ। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देती हूँ इसको। देखिए कितना सुंदर लगता है देखकर। तो आप लोग टेस्ट करके बताइएगा कि कैसी बन लगी हमारी ये कैरमलाइज्ड खीर, चावल की खीर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इसके साथ ही वीडियो